बिहार सरकार एक ओर हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प ले रही है और वहीं आदमपुर पीपलावा नहर जो उदर चक के पास बड़ी नहर से निकलकर अख्यातपुर गुलामी चक होते हुए पीपलावा से आगे पुनपुन नदी के पास समाप्त होती है। मंझोली चाकिया गुलामीचक के बीच सैफन के बगल में पीपल के पेड़ के पास रबी फसल से ही नहर टूटी हुई है। मझोली के किसानों ने नहर विभाग को इस बात की जानकारी दी है, इसके बावजूद अभी तक नहर के तटबंध की मरम्मत नहीं हुई है। नहर से आ रही पानी अपनी दिशा बदलकर बर्बाद कर रही है। पीपलावा तक तो दूर दनारा गुलामीचक तक भी पानी नहीं पहुँच रहा है। किसानों के द्वारा सूचना देने के बावजूद नहर विभाग सोई पड़ी है। पहले तो नहर गेट के द्वारा तटबंध की सुरक्षा दी जाती थी, पर अब स्थिति नगणीय है, जिससे दनारा गुलामीचक मंझोली के सैकड़ों बीघा जमीन की धान की रोपाई से वंचित है तथा मंझोली के कुछ किसानों का रोपा हुआ धान जलमग्न हो गया है। आज किसानों के हित का ख्याल रखते हुए मंझोली निवासी सुनील वर्मा के साथ अन्य किसानों ने सरकार पदाधिकारी से अनुरोध किया है नहर के तटबंध को जल्द से जल्द मरम्मत करवाने की कोशिश करें, जिससे धान रोपनी करने में कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े और समय से धान फसल तैयार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़ इंडिया।